दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पोर्टल में। दोस्तों पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मेरे गौरव दोस्त ने मुझे बोलने का मौका दिया अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इस वीडियो में आपको स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा कि आपकी जो जेन्युइन नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपकी डबल SR के लिए और डबल ई के लिए कब तक निकाली जा सकती है। दोस्तों बहरहाल कुछ ही दिन पहले एक मैसेज को वायरल किया गया था जो सेम टू सेम इंडियन नेवी जैसे ही लग रहा था, और उस मैसेज में बताया गया था, उस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है 18 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक है, जो पूरी तरीके से फेक था और इसे इंडियन नेवी ने खुद ही अपने वेबसाइट पर निकाला था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा आएगा, यहाँ पे आपको जहाँ पे लिखा आएगा कुछ ही यहाँ पे कुछ ही दिन देर में अपने आप यहाँ पे लिखा आएगा, जो कि अपने फेक नोटिफिकेशन से अब बच के रहें, फेक नोटिफिकेशन के ऊपर विश्वास ना करें। दोस्तों आपको मैं यही बताना चाहता था कि आप फेक नोटिफिकेशन के चक्कर में अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, अपने फोकस पावर को डिस्टर्ब ना करें, और जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जेन्युइन नोटिफिकेशन है, जो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट जो डिक्लेयर करेगी, वो दिसंबर में डिक्लेयर करेगी कब से आपकी फॉर्म को भरा जाएगा, कब आपकी वैकेंसी निकलेगी। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आप वेट कीजिए, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, तब तक वायरल जो फेक जो न्यूज़ फैलाई जाती है उससे बच के रहिए, और 7 दिसंबर तक आप वेट कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, और उस नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि कब तक आपके फॉर्म निकले जाएंगे और कब तक आपको भरा जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताना था, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों 25 नवंबर तक भी आपकी नोटिफिकेशन को डिक्लेयर किया जा सकता है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, पर जहाँ तक मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, क्योंकि गौरव ने और मैंने मिलकर काफ़ी इस पे रिसर्च की, जहाँ तक हम दोनों का ओपिनियन है 7 दिसंबर तक आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी और आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बस यही कहना था, दोबारा जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और बच के रहिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखिएगा।